सोमवार 26 अगस्त को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। द्वापर युग से भगवान विष्णु ने भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर श्री कृष्ण अवतार लिया था। इस बार जन्माष्टमी पर सोमवार और रोहिणी नक्षत्र का योग होने वाला है, जो सर्वार्थी योग बन रहा है। इस योग में किए गए पूजा पाठ अक्षय पुण्य देते हैं। उज्जैन के ज्योतिर्लिंगाचार्य पंडित मनीष शर्मा के मुताबिक श्री कृष्ण विष्णु जी के आठवें अवतार हैं। द्वापर युग में जब अधर्म बढ़ रहा था, तब विष्णु जी ने धर्म की स्थापना करने के लिए श्री कृष्ण अवतार लिया। श्री कृष्ण की वजह से कंस, जरासंध, काल्यवन जैसे असुरों का अंत हुआ। भगवान ने पांडवों की मदद करके अधर्मी कौरव वंश का नाश कराया। भगवान श्री कृष्ण की पूजा में कृष्ण कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। जानिए जन्माष्टमी की पाठ पूजा से जुड़ी कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा में भोग लगाते समय तुलसी के पत्ते जरूर रखने चाहिए। माना जाता है कि भगवान तुलसी के बिना भोग स्वीकार नहीं करते। तुलसी को विष्णु प्रिया कहा जाता है, इसलिए कृष्ण पूजा में तुलसी अनिवार्य रूप से रखी जाती है। श्री कृष्ण की पूजा में मोरपंख, वैजंती की माला, दक्षिणवर्ती शंख, गौतमा की मूर्ति पैच, दक्षिणावर्ती शंख, गौ माता की मूर्ति, माखन मिश्री, बांसुरी भी रखने चाहिए। जन्माष्टमी की रात पूजा में भगवान को झूला भी झुलाने की परंपरा है। श्री कृष्ण का अभिषेक दक्षिणावर्ती शंख से करें। शंख में केसर मिश्रित दूध भरें और भगवान को स्नान कराएं। दूध के बाद शुद्ध जल से भगवान का अभिषेक करें। जल में तुलसी के पत्ते भी डाल सकते हैं। इसके बाद भगवान का नए वस्त्र, हार फूल, इससे श्रृंगार करें। चंदन का तिलक लगाएं। भगवान को अबीर, गुलाल, मोरपंख, माला, माखन मिश्री, तुलसी आदि पूजन सामग्री चढ़ाएं। कृष्ण कृष्णाय नमः मंत्र का जप करें और धूप दीप जलाकर आरती करें। सोमवार और जन्माष्टमी के योग में श्री कृष्ण के साथ भगवान शिव का भी अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं। बेलपत्र, धतूरा, आंकले का फूल, गुलाब से शिवलिंग का श्रृंगार करें। चंदन का लेप लगाएं, धूप दीप जलाएं, मिठाइयों का भोग लगाएं, आरती करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। गौ माता श्री कृष्ण की प्रिय मानी जाती हैं, इसलिए श्री कृष्ण पूजा के बाद किसी गौशाला में गायों की देखभाल के लिए धन और दान दें। गायों को हरी घास खिलाएं। श्री कृष्ण ने स्वयं गोवर्धन पर्वत को पूजनीय बताया था, इसलिए इस पर्व पर गिरिराज की भी विशेष पूजा करनी चाहिए। हर सम और संभव हो तो इस दिन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा भी कर सकते हैं। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।